हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम आशीष आज की वीडियो में हम अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर वन मोशन के एम सी यूज़ करेंगे इससे पहले हम उसके न्यूमेरिकल कर चुके थे तो उसको डिटेल में पढ़ चुके थे आज हम एम सी क्यों करेंगे बिकॉज ऑफ जो नया पैटर्न आया है सी बी एस सी की तरफ से उसके हिसाब से ठीक है आज स्टार्ट करते हैं इसे उससे पहले अगर, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है आर या डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ सर्कल वुड बी जो उसकी डिसप्लेसमेंट होगी हाफ सर्कल के बाद वो क्या होगी पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी डिस्टेंस रेडियस uh, है आर इस सर्कुलर पाथ है इसमें जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है जिसकी डिस्टेंस है रेडियस है आर ये वही आर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल वो यहाँ से चलना शुरू हुआ यहाँ तक पहुँच पाया तो जब हमने पढ़ा था कि जब वो एक राउंड ले लेता है तो उसके क्या होता है जब वो एक राउंड लेता है तो वो उसकी सरगम फेरेंस बन जाती है मीन्स टू पाई अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला टू आर okay. जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मूविंग बॉडी न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऑलवेज लेस देन ऑलवेज इक्वल टू ऑलवेज मोर देन वन एंड इक्वल और लेस देन वन इसका आंसर क्या होगा इक्वल और लेस देन बिकॉज जो डिसमेंट होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है बट डिस्टेंस कैन एदर भी नेगेटिव तो इसका आंसर क्या होगा इक्वल और लेस देन वन थर्ड सपोज अ बॉय इज अ राइड फॉर अ मेरी गोल्ड राउंड बॉय एक मेरी गोल्ड राउंड है जो हमने सर्कुलर मोशन में जिसका हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था चैप्टर में विच इज मूविंग विदटेंट स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है टेन मीटर पर सेकेंड डे इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज अब बॉय इज क्या होगा फर्स्ट आता है हमारा एट रेस्ट सेकेंड आता है हमारा मूविंग विद नो एक्सिलेशन इन एक्सलेटेड मोशन और फोर्थ आता है मूविंग विध यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका आंसर क्या होगा एटरेस्ट रेस्ट पे तो मूविंग विद नो एक्सलेन विदाउट नो एक्सलेशन मूविंग ये भी नहीं होगा थर्ड आता है इन एक्सीडेटेड मोशन अब वो एक्सीडेटेड मोशन में होगा एक्सीडेटेड मोशन में क्या होगा जब वो जब तो हो हो वो राउंड जब घूमना शुरू करेगा तो सर्कल जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी जिसकी वजह से वो एक्सीटेड मोशन में होगा तो इसका आंसर क्या है सी वाला करेक्ट ऑप्शन इज सी इन एक्सीडेटेड मोशन नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा फिगर जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट आता है हमारा जो लाइन है ये जो लाइन है हमारी बीच का जो ग्राफ है वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है ठीक है जैसे डिस्टेंस अगर इसकी इतनी बढ़ी तो टाइम भी इसका इतना बढ़ा तो ये ग्राफ आ जाता है फिर इसका इतना बढ़ा तो इसका इतना बड़ा ये चीज़ें आ जाती हैं फिर बी वाले में ये नहीं होगा सी इसमें डिस्टेंस है वो कॉन्स्टेंट है तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा फिगर जो होगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट को करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा तो ए वाला करेगा क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो रहा है दैट्स वाई दे रिप्रेजेंट द विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसमेंट आर इक्वल इन चारों केसेज में से कौन सा केसे जिसमें डिसप्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा इफ आ कार मूविंग इन स्ट्रीट रोड डिस्प्लेसमेंट उन्होंने पढ़ा क्या था स्ट्रीट रोड में जो बॉडी होती है वो मूव करती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो आई थिंक एप्शन इज करेक्ट इफ अ कार मूविंग इन स्ट्रीट रोड एंड सेकेंड हम तब भी पढ़ लेते आगे इफ आ कार मूविंग इन सर्कुलर रोड सॉरी डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर रोड पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगी इफ आ पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव होगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी प्लेनेट मूव करेगा तो उसकी ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सर्कुलर मोशन है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा कर है तो ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है एक्स्ट आता है हमारा फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फोर पॉइंट नाइन मीटर इन फर्स्ट सेकंड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ने फोर पॉइंट मीटर किया फर्स्ट सेकंड में फोर्टीन मीटर किया सेकंड सेकेंड में ट्वेंटी पॉइंट फाइव मीटर किया उसने थर्ड सेकंड में द डाटा शोज इज द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इस केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सीेशन यूनिफॉर्म एक्सरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये जो पूरा है जो जिसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ तो ये क्या शो करता है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन शो नहीं कर सकता बिकॉज इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आंसर होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब ये यूनिफॉर्म एक्सरेशन क्या होगा हमने यूनिफॉर्म एक्सिलेशन में पढ़ा था कि जो बॉडी होती है वो वेलोसिटी उसकी चेंज करती है यूनिफॉर्म रेट पर तो ये वही चीज़ आ रही है द डेटा शो द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमने उसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था आपको अगर ये आपने डिटेल में अगर ये अभी तक नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट आता है हमारा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्टली रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है जो वेलोसिटी और स्पीड uh, को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन द स्पीड नो इट्स नॉट करेक्ट स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज स्पीड भी नहीं स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स इन अ गिवन डायरेक्शन नो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स इन अ गिवन डायरेक्श हाँ वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वेक्टर वैक्टर डायरेक्ट वैक्टर क्वान्टिटी होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड वाला दिस फोर्थ सॉरी फोर्थ वाला फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज वेलोसिटी इज वैक्टर क्वान्टिटी एंड स्पीड इज इजो नेक्स्ट आता है हमारा फिर ना कार रन से न सर्कुलर ट्रैक जब कार जो है वो रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक पर यूनिफॉर्म स्पीड से इस वेलोसिटी सेट टू बी चेंजिंग जब वो सर्कुलर uh, पर करेगी तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जो होगी चेंज होगी बिकॉज उसकी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी दिस इज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ अ कार वेरी इज कंटिन्यूअसली मैंने अभी आपके सामने बोलती है क्योंकि डायरेक्शन जो होगी वो चेंज होगी जिसकी वजह से जो वैलुसिटी होगी वो चेंज होगी तो आंसर क्या हो जाएगा पहला ही हो जाएगा आपका दूसरा ही हो जाएगा आपका द डायरेक्शन ऑफ अ कार वेरी इज कंटिन्यूअसली ठीक है मैं चाहता हूँ फॉलोइंग कैन समटाइम्स भी जीरो फॉर अ मोविंग बॉडी इनमें से कौन से हैं जो क्योंकि जीरो हो सकते हैं जैसे वैलुसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल एवरेज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है एवरेज वैल्यूसिटी एवरेज वैल्युसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि मैंने आपको जब रेटियर एक्सप्रेशन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको पूरी एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाया पूरे एग्जाम्पल के थ्रू बताया था मैं उसका आ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सेकेंड आता है डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो सकती थर्ड एवरेज स्पीड नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो सकती है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है क्योंकि जिस पॉइंट से वो गया उसी पॉइंट पर लौट कर वापस आ गया मीन्स ए से ये सर्कल है ए से उसने जाना शुरू किया और ए पर ही लौट कर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी हुई जीरो तो ओनली वन ओनली वन नहीं एवरेज स्पीड भी ओनली वन एंड टू भी नहीं वन एंड फोर बिकॉज एवरेज वेवर्सिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों हो सकते हैं जीरो तो यह आ जाएगा वन एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कु नॉट बी एनिट ऑफ ए स्पीड इन चारों में से कौन सी यूनिट है वो स्पीड की यूनिट नहीं है किलोमीटर पर आर हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड को लार्जर यूनिट होती है किलोमीटर पर आर डिस्टेंस पर मीटर इट्स नॉट ए यूनिट तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये वाला मीटर पर सेकेंड ऑल्सो मिली मीटर पर सेकेंड ऑल्सो सेकेंड आता है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी विद दिस वन इज कौन सी इसमें से वैक्टर क्वांटिटी नहीं है डिसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो वैक्टर क्वांटिटी है बिकॉज स्ट्रेट लाइन में होती है और उसके पास एक डायरेक्शन होती है स्पीड स्पीड वैक्टर क्वान्टिटी नहीं है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड इट हैज नो डायरेक्शन सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पीड नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सलेशन इन चारों में से कौन सा है जो एक्सेलेशन की यूनिट नहीं है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन चारों में से कौन सा एक्सेलेशन यूनिट नहीं है तो इसमें एक्सेलेशन यूनिट कौन सी नहीं है तो आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल्स में पढ़ाया था जो स्लोप होता है स्पीड टाइम ग्राफ का वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन जिससे कि हमें कर, अगर किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं दी हुई तो हम स्लोप से उसकी एक्सलेशन निकाल लेते हैं उसका ग्राफ दिया हुआ है अगर तो ये मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट था न्यूमेरिकल्स का उसमें कराया हुआ था तो आप उससे भी जाकर देख सकते हैं और मैं यहाँ पर एम वाले न्यूमेरिकल नहीं करा रहा जो एम वाले जो जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में करा दिए थे डेट्स वाई एक्सेलरेशन ठीक है इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट ऑफ लिए रिओ तो स्पीड टाइम ग्राफ आपको कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करता है मीटर स्क्वायर और रिप्रेजेंट करता है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट जो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सिलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव करेगा बिकॉज स्टेशन है फोर कार ए बी सी डी डी मूविंग ऑन अ लेवल स्ट्रेट लाइन ये चार कार ये है, ये हैं ये मूव कर रही हैं देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफर शोर इन द फिगर 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 में हमको दिखाया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दियर कार इन चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है इस ग्राफ को देखते हुए हमें बताना है कार ए इज फास्टर देन कार डी कार ए है वो फास्टर है कार बी से कार बी इज द स्लोएस्ट कार बी इज वो स्लोएस्ट है हाँ है कार डी इज फास्टर देन कार सी कार डी है वो फास्टर देन है कार सी से नहीं है भाई ये तो कार सी इज द स्लोएस्ट कार सी स्लोएस्ट है ही नहीं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कार बी इज द स्लोए करेक्ट ऑप्शन इज कार बी मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड मोटरसाइकिल अब ड्राइव कर रहे हैं स्पीड से ट्वेंटी मीटर पर सेकंड से वन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तब वो रेस्ट में आ गई पाँच सेकेंड के लिए द डिकलेन प्रोड्यूस इन दिस केस जिसमें डिक्रेशन जो होगा हम रिटार्डेशन का दूसरा नेम डिकलेशन भी होता है इन दिस केस वो क्या होगा ठीक है अब हमें रिटारडेशन निकालना है ठीक है तो एक्सलेशन फॉर्मूला क्या था एक्व टू फॉर्मूला क्या था ए इक्वस टू फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल क्या होगी इसमें ट्वेंटी मीटर थी पर सेकेंड से ब्रेक हमने अप्लाई किए तो ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस जीरो ओवर फाइव फाइव से जरूर ट्वेंटी जाएगा तो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट आता है हमारा द स्प्रिंटर इज रनिंग अलॉन्ग अ सरकमफ्रेंस ऑफ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विथ कॉन्सटेंट स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज चेंजिंग इन दिस केस इनमें से जो कौन सा जो पॉइंट है वो चेंज हुआ है इस स्टेट में जब स्प्रिंटर रन कर रहा है सर्कमफरेंस से बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम में कॉन्सटेंट स्पीच से मैग्नीट्यूड एंड एक्सीडेशन भी प्रोड्यूस डिस्टेंस कवर बाई स्प्रिंटर पर सेकेंड डायरेक्शन ऑफ द स्प्रिंटर इज रनिंग सेंटरपीटर फोर्स आई ऑन द स्प्रिंटर डायरेक्शन इन द स्प्रिंिटर इज रनिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट आता है इन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट शो हेयर द पार्ट विच इंडिकेट्स यूनिफॉर्म डिक्लेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनमें से हमें कौन सा है जो यूनिफॉर्म डिक्लेशन शो कर रहा है वो हमें पता करना है तब तो पी से की यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्मली जा रहा है ये चेंज नहीं हो रहा आ रहा फिर वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है बट यूनिफॉर्मली ठीक है अब ये यूनिफॉर्मली आर से नहीं एस की तरफ वो नीचे की तरफ जा रहा है तो वो रिटार्डेशन कर रहा है मीनस यूनिफॉर्म में डिग्रेसन हो रहा था इसमें से कौन सा आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आर एस वाला पार्ट है वो हमें डिग्रेशन शो कर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अर्थ अराउंड द सन हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल में टॉय ट्रेन में पढ़ा था रेसिंग कार ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर ट्रैक दिस इज नॉट एग्जाम्पल हार्स एंड दिस इज द अग्जाम्पल सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये केस नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी इन चारों ग्राफ में से कौन सा जो ग्राफ है वो हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट शो कर रहा है तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस के साथ साथ इक्वल इंटरवल इक्वल टाइम में सेकंड पोजीशन और टाइम के साथ वाला ग्राफ बी ग्राफ वो हमें शो कर रहा है थर्ड भी नहीं शो कर रहा बिकॉज अन इक्वल डिस्टेंस आ रही है यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रही है हमने जब ग्राफ पढ़े थे तो हमने पढ़े भी थे सारे ग्राफ अलग अलग उसमें ये था तब जो हमें स्टेशनरी की पोजिशन शो कर रहा था विच ऑफ़ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल इन चारों में से कौन सा जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं होगा ये पॉसिबल है बिकॉज एक्सीशन ऊपर तक बढ़ रही है फिर वो रिटार्ड हो रही है फिर बढ़ रही है फिर रिटार्ड हो रही है तो दिस इज पॉसिबल दिस बी बी इज़ नॉट पॉसिबल सो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन सी सी बी पॉसिबल है फोर्ट और डी भी पॉसिबल है रिटारडेशन हो रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ तो ऑप्शन ब जो है वो पॉसिबल नहीं है डेट्स व ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन